चुप कर कुत्ते रंग में भंग डाल गया मेरे सैंडल जो है वो गुम हो चुके हैं भाई पता है किधर है मेरे सैंडल यार मुझे नहीं पता यार यार बता दो यार किधर है यार मेरे सैंडल अभी हम लोग निकलने लगे तो भाई जान मेरे सैंडल जो है उन्होंने गुम कर दिए आप बताएं किधर है मेरे सैंडल आपको पता आपको पकड़ाए थे मैंने जल्दी से बताया मुझे अब आपको सैंडल पकड़ाए थे आप अब कहाँ पे गुम कहाँ पे आप ये तो बताएं पहले आप भाई सैंडल छुपा ये पता नहीं अभी आजकल जो है जुमा पढ़ने गए वहाँ पे भी गई हूँ पक्का भाई के पास है वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं करे आपके पास है की इल्जाम अच्छा अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है हेलो यार मेरे सैंडल किधर है गए ने अंदर है अंदर कह रहे हैं पड़े हैं वो उस नुक्कड़ में चेक करो बिस्तरों के उधर पास ओ यार किधर किधर ढूंढ के बन खाने हैं यार आपको याद नहीं था जवाल भाई इधर बात सुने आपको रिस्पांस ही नहीं दे रहे हमें भाई जी भाई यार आप सेंटर आके भूल गए हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया देखिए टाइम क्या हो गया नहीं भाई ये देखिए प्लानिंग किधर भाई वो कह रहा मेरी प्लानिंग नहीं थी इधर आओ ये तुम्हारा प्लान है मुझे पता लग गया अभी तुम देखो तुम्हारे चेहरे से पता लग गया मुझे चलो अभी टाइम काफी ज्यादा मिस हो चुका तो गाइस हमने आपको बताना तो भूल ही गए यार वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे से जितने भी रियलिटी वीडियो हो आप तक पहुंचती रहे हाँ जी भाई जी चलें जी जी भाई बहुत टाइम होगा चलें जी चलो जी चलते हैं जी गड्डी शड्डी मारी बाहर आ चुकी है तो अभी हम निकलने लगे हैं किक शिक मार के गाड़ी भी जाके आपको मिलेंगे घर से निकलने के बाद फौरी आपके भाई ने पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और गाड़ी की टंकी को फुल करवा लिया फिर होना क्या था वही हर बार की तरह हर अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम आता ही है Five minutes later. ये देखो जी ना भाई बच गए नहीं रे क्यों ऐसी ज्यादा देर क्यों लगी बच गए बच गए यार लग गई हाँ जी जो आ साहब तुम दसो ए देखो जी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तुम बच गए हो मेरे कमरे खराब हो मैं बच गया यार गड्डी भैन जो बुआ दरवाजा खोल दिता रे अभी गड्डी में बच गए इरे भाई ज़्यादा तो नहीं लगी यार बच गए चलो कोई नहीं यार आज लगता दिन संग अच्छा नहीं चढ़ाया यार साडा हैं पहले चलान हो गया तो हूँ साड़ी गड्डी बच गई चलो कोई नहीं अल्लाह खैर कि चल रहे अपना सफ़र शुरू कर दे पहले गाड़ी का चलान और फिर कुछ देर बाद ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फाइनली फिर हम अल्लाह अल्लाह करके नारकली बाजार पहुंच गए नारकली बाजार में आ गए हैं शाम पै गई तेरे बिना तू घरिया ढोल ना पूछा मैंने कुछ जवाब भाई आप लेना कुछ पसंद करेंगे या लेना तो अभी भूख लगी है बाद में कुछ भूख के लिए जो मैंने इंतजाम किया स्पेशल हम लोग जाएंगे हर रोड पे विकास बिरयानी की ट्राई बिरयानी ट्राई करेंगे हम लोग ठीक है जी आपको यहाँ की स्पेशल बिरयानी खिलाऊंगा ओके सर ओके सर अनारकली बाजार में रश तो काफी ज्यादा था लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई शॉप या कोई दुकान नहीं मिली जहाँ से हम जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी जैकेट परचेज कर सके फिर हम लोग दलील हो गए जैकेट तो अभी तक मिली नहीं है तो फाइनली जो है हम लोग एक दुकान पे पहुंचे तो वहाँ पे जाकर मैंने दो किस्म की जैकेट्स को सिलेक्ट किया है तो पहले वाली ट्राई की वो इतनी कुछ खास नहीं लगी और दूसरी वाली जो भाई ने निकाल के दी है ये कुछ ज़्यादा लुक निकाल रही थी तो ये आपके भाई को पसंद आ गई थी तो वोटिंग के हिसाब से हमने फिर फिलहाल इसको फाइनल करवा के और सर जी ये हमने जैकेट पसंद की ये भाई ने हमें ले के दिया थैंक यू भाई जान आपकी हीरे भाई सही ले ली यार पहनूंगा तो अच्छी लगेगी मुझे हीरे साहब हमने जैकेट ले लिया यार तो कमेंट करके बताएं सर जी कैसी लग रही है हीरे भाई जैकेट यार मैंने ले लिया यार फाइनली फिलहाल जो है वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जैकेट जो है वो मुझे मिल गई और मैंने वो परचेज करी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है
अरे कहना क्या चाहते हो जी? जी भैया आप चाहिए से बात करना चाहते कर लेंगे। नहीं नहीं आप भी पूछिए। अच्छा तो मैं कह रहा था भाई हम आपके साथ सुबह से घूम रहे हैं तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, कुछ पेड़ पूजा आ गया है। नहीं मैं ना भूख के लिए आपके लिए एक स्पेशल मैंने इंतजाम किया है, उधर वकास बिरयानी वाला काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो वो बिरयानी आप खाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि प्यार करेंगे यार, मैंने बिरयानी खाई है यार, बड़ी लजीज। ठीक है मेरा बस जवाहर भाई कुछ चाइनीज में बताएं यार हमें। शाया पाया पूछा मैंने कुछ। अगर मैंने जैकेट परचेज करनी है तो मैं दुकानदार से जाके कैसे बात करूंगा? आपने बोला छुया पाया छाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ज्वाल भाई ये वो मशहूर बिरयानी वकास बिरयानी वाला जिनको मैं आपके पास ले गया हूँ, उनकी बिरयानी में आपको टेस्ट कराऊंगा, ठीक है? टेस्ट करना चाहेंगे आप इनकी बिरयानी? टेस्ट क्या आप, तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो भी बंद हो और जल्दी से पेड़ पूजा हो जाए। तो अब इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती हो चुकी है, तो बिरयानी जब आएगी तभी आपको दिखाएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। भाई को जो भूख जो काफ़ी लग चुकी है, हीरे भाई को भी भूख लगी है कि नहीं? चूहे दौड़ रहे हैं पेड़ में, मैं कह रहा हूँ भाग या क्रिकेट खेल रहे हैं। चलें जी अभी ऑर्डर देते हैं जी वकास बिरयानी। इस साइड पे या दूसरी साइड पे बैठेंगे हम लोग, इधर ही बैठ जाते हैं यार इस साइड पे। तो बिरयानी हमारी जो है वो आ चुकी है इस टाइम। हीरा भाई खुशबू सूंघ के भूख लग रही है आपको? मैं कह रहा हूँ भाई मुँह में पानी आ रहा है। जवाब भाई खुशबू सूंघ के कुछ महसूस हुआ है? ओए ओए जवाब भाई को बड़ी सालों किस्म की भूख लगी है यार। देख सकते हैं जी वकास वाला भी बिरयानी हार और कितनी मशहूर है, वहाँ पर रश भी इतना ज़्यादा है। तो चलें जी खाने के साथ अभी फुल पटा फुल इंसाफ किया जाएगा। तो जी रात पहले हमें बिरयानी खिलाई है यार, बहुत मजे की थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो थैंक यू भाई जान, आपको बहुत शुक्रिया आपने हमें बिरयानी खिलाई और इतनी टेस्टी थी भाई, इतनी टेस्टी थी यार, हम लोग उंगलियाँ चाट रहे हैं, पैसे पाया किया हमने यार, बहुत अच्छी। और जवाद भाई जो है हमें बिरयानी खिलाने पे चाइनीज़ में थैंक यू कहेंगे जी जवाद भाई? एक बार फिर से एक शेयर। तो चले जी ठीक है जी, एंड करते हैं यहाँ का आज का ब्लॉग, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा और बादशाह जी नहीं कर सकते। ओके जी अल्लाह हाफिज़।